title. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दिल्ली टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। इसी साल मई के आखिर में केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक एयर होस्टेस के पास से करीबन 1 किलो सोना बरामद हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये एयर होस्टेस ओमान की राजधानी मस्कट से अपने प्राइवेट पार्ट में छुपाकर सोना ला रही थी। अक्टूबर के आखिर में जयपुर एयरपोर्ट पर भी इसी तरह का एक मामला देखने को मिला, सिर्फ पात्र बदल गया था। राजस्थान के रहने वाले एक शख्स के पास से 1 किलो से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। सरकारी एजेंसियों की नज़र से खुद को बचाने के लिए इस शख्स ने अपने शरीर के अंदर सोने के कैप्सूल छिपा रखे थे। कस्टम विभाग के अधिकारियों को जैसे इस बात की भनक लगी, उसे गिरफ्तार कर सोना जब्त कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ये शख्स संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी से तस्करी करके ये सोना भारत ला रहा था। ये सिर्फ कुछ उदाहरण भर हैं। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि फला एयरपोर्ट पर किसी के पेट में तो किसी के प्राइवेट पार्ट में सोना पकड़ा गया है। यानी भारत में सोने की तस्करी कोई नई बात नहीं है, खासतौर से खाड़ी देशों जैसे कि यूएई, ओमान और कतर वगैरह से भारत में सोने की काफ़ी तस्करी बहुत पहले से होती रही है। इन देशों से होने वाली गोल्ड स्मगलिंग की सबसे बड़ी वजह है कि भारत के मुकाबले कुछ खाड़ी देशों में सोना काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन इन देशों से भारत में सिर्फ तस्करी के जरिए सोना ही नहीं आता है, कई लोग जब इन जगहों पर घूमने फिरने जाते हैं तो भी सोना खरीदते हैं, लेकिन उसकी एक तय लिमिट है। अगर लिमिट से ज़्यादा सोना लाया जाता है तब देना पड़ता है मोटा टैक्स। इसलिए कई लोग ज़्यादा फायदे के चक्कर में सोने की तस्करी करते हैं। लेकिन गोल्ड को लेकर ये कहानी अब बदल रही है, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में गोल्ड के दाम अब संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और सिंगापुर जैसे कुछ ट्रेडिशनल सोना खरीदने वाले देशों के मुकाबले सस्ते हो चुके हैं। आज आपको खर्चा पानी में कि इस एपिसोड में हम बताएंगे इन देशों के मुकाबले भारत में सोना सस्ता मिलने के पीछे क्या कारण है। यूएई, ओमान और सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भारत में सोना कितना सस्ता मिल रहा है, भारत में सोने के दाम गिरने और खाड़ी देशों में सोने की कीमतों में आई उछाल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ये शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम क्या चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के नक्शे कदम पर ही बाकी देशों में सोने के दाम तय होते हैं। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम 3 साल में पहली बार हफ्ते भर में इतना गिरे हैं। अमेरिका के स्पॉट मार्केट या हाजिर बाजार में सोने के दाम 4.5% तक नीचे आ चुके हैं। अमेरिका में सोने का हाजिर भाव 2 महीने के निचले स्तर $2,563 प्रति औंस के करीबन कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दामों में आई गिरावट के पीछे अमेरिका से मजबूत आर्थिक आंकड़ों को माना जा रहा है। अब समझते हैं कि भारत में सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसी दिन 22 कैरेट वाले सोने का भाव 69,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 56,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। द लाइव मिंट की 17 नवंबर को छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सोने की कीमतों में जो गिरावट आ रही है वो इंटरनेशनल मार्केट में आई गिरावट के हिसाब से हो रही है। अब खाड़ी देशों में सोने के भाव का जायजा लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर को ओमान में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 220 रुपये बढ़कर 75,763 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। लाइव मिंट की रिपोर्ट बताती है कि संयुक्त अरब अमीरात में सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गई। यूएई में 10 ग्राम का सोने का भाव 76,204 रुपये पर पहुंच गया। वहीं सिंगापुर में 24 कैरेट सोने के लिए 76,805 रुपये प्रति 10 ग्राम खर्च करने पड़ेंगे। सोने के ये भाव देखने से पता चलता है कि ना सिर्फ अभी बताए गए खाड़ी देशों में सोना भारत के मुकाबले महंगा है, बल्कि सिंगापुर में भी सोने के दाम भारत से ज़्यादा महंगे हैं। अब सवाल ये कि खाड़ी देशों और सिंगापुर में सोने के दाम उबाल पर क्यों हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला कारण है भू राजनीतिक तनाव। मध्य पूर्व, खासतौर पर इसराइल और गाजा में बढ़ते तनाव ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की अपील को बढ़ा दिया है। इससे खाड़ी देशों में कीमतों में तेजी देखने को मिली है गोल्ड की कीमतों में। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी दुनिया के किसी हिस्से में तनाव बढ़ता है, युद्ध होता है, या तो सोने की मांग बढ़ जाती है। कारण वही है कि सोने को संकट के समय काफी भरोसेमंद साथी माना जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि गल्फ कंट्रीज में सोने के दाम बढ़ने की दूसरी वजह है इन देशों में गोल्ड की बढ़ती डिमांड। कतर और ओमान जैसे देशों में लोग जमकर सोना खरीद रहे हैं और कंपनियां और उन देशों की सरकारें भी बहुत तेजी के साथ सोना खरीद रही हैं। इस वजह से मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में उछाल दिख रहा है। सोने की कीमतों में तेजी की तीसरी वजह है करेंसी और इंपोर्ट की बढ़ती लागत। गल्फ कंट्रीज में डॉलर के मुकाबले स्थानीय करेंसीज में उतार चढ़ाव के चलते सोने का आयात महंगा पड़ रहा है। इन तीन प्रमुख वजहों से यूएई, ओमान और कतर वगैरह में सोने के दाम बढ़े हैं। अब आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में सोने की चाल कैसी रह सकती है। यहाँ भी सबसे पहले बात करेंगे भारत की।
भारत में फिजिकल गोल्ड माने सोने के गहनों और सोने के सिक्कों वगैरह की मांग बढ़ रही है। इसी वजह से पिछले हफ्ते भारत में सोने पर प्रीमियम बढ़कर $16 प्रति औंस हो गया है। मतलब इंटरनेशनल रेट के मुकाबले भारत में $16 ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इससे पिछले सप्ताह तक गोल्ड पर प्रीमियम $3 चल रहा था। इससे पता चलता है कि भारत में रिटेल डिमांड गोल्ड की बढ़ रही है। ये मांग संभवतः शादी के मौसम और त्योहारी खरीदारी की वजह से है, लेकिन इस बढ़ती मांग के बावजूद देश में सोने के दाम सितंबर अक्टूबर की रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने के दाम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस वजह से जो लोग शादी विवाह के लिए सोना खरीद रहे हैं वो पहले ही मुकाबले काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अब चलते चलते जानते हैं कि दुनिया भर में गोल्ड का भविष्य कैसा रहने वाला है। अक्टूबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से दुनिया भर में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में अक्टूबर महीने में सोने के दाम भले ही 7% गिरे हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी तनाव के चलते इस साल अभी तक सोने के दाम करीबन 24% ऊपर ही हैं। हालांकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने कीमतों में तेजी से परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है। कारोबारियों की नज़र अब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के दिसंबर में होने वाली बैठक पर है। अगर अमेरिका में आगे भी ब्याज दरें घटती हैं तो दुनिया भर में सोने के दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल भारत की सोने की मांग 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में इस साल सोने की मांग 700 टन से 750 टन के बीच रह सकती है। ये साल 2020 के बाद से सबसे कम होगा। पिछले साल भारत में सोने की जो मांग थी वो 761 टन रही थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि तस्करी का 40-45% सोना पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम में पहुंचता है। इसमें से अधिकांश बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से आता है, जबकि 30-55% तक सोना संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण पूर्व एशिया से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहुंचता है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जाते जाते एक जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक है 22-24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lalantop.com पे दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए और बनिए ललन टॉप के अड्डे का हिस्सा सिर्फ 499 रुपये में। शुक्रिया। 499 रुपये में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं? बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं? पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे? विधायक जी आके खुद बताएंगे। रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए dlalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से, कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही ललन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए ललन टॉप के सालाना उत्सव में, ललन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।